Hello everyone, very good afternoon. Welcome to my channel Indian YouTuber Ruchi. अभी दोपहर के कितने बजे हैं? 2 बज रहे हैं समथिंग. और बच्चे दोनों पढ़ाई में लगे हुए हैं क्योंकि कल से हैं इनके एग्ज़ाम्स. इनके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं सो पढ़ाई में लगे हुए हैं दोनों. घर पे आज स्कूल नहीं गए हैं क्योंकि एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैंने सोचा स्कूल भेज के क्या करूँगी, बेटर है घर पर पढ़ा लूँ. सो दोनों पढ़ाई कर रहे हैं. विवेक अभी नहाने गए, उन्होंने हेयर कलर लगाया था आज, तो एक बार सुबह नहा लिए थे, अभी नहाने गए. मैं भी थोड़ी देर पहले ही नहा के आई हूँ. आज विवेक की एक फ्रेंड है, वो ब्रेकफास्ट पे आए थे, सो मैंने बनाए थे आलू के पराठे. सो जस्ट अभी फ्री हुई, आराम से बैठी हूँ. अब निकल रही हूँ मैं सूरत के लिए इन लोगों को ट्यूशन छोड़ के. इनका ट्यूशन है तो दोनों को ट्यूशन में रखेंगे, देन हम लोग मूव करेंगे सूरत. हमारे एडिटर के पास जाना है, थोड़ा सा काम है. सो ये स्टोरी है. अभी मेरे दिन की लाइट नहीं है इसलिए मैं ये विंडो के पास बैठ के बात कर रही हूँ ताकि मेरे फेस पे लाइट आए, बिकॉज लाइट नहीं है. और आज गुस्से में मैंने लंच नहीं बनाया है. सुबह आलू के पराठे इतने सारे बनाए और मैं खड़े खड़े थक गई बहुत बुरी तरह. सो मैंने बोला यार आज किचन ऑफ, तो कोई काम नहीं किया मैंने, बैठी हुई हूँ. मतलब आलू के पराठे बनाए, उसमें काफ़ी मेहनत लगी, देन नहा धो के बैठ गई हूँ. रूटीन वर्क किया जो होता है, डस्टिंग एंड ऑल. और अभी को पढ़ा रही थी, भाई इसको पढ़ाने का काम सबसे बड़ा है, पढ़ता नहीं है ये, मतलब बहुत परेशान करता है. सो इसको पढ़ाया, इनके फ्रेंड के साथ बैठे हम लोग 1-1.5 घंटा. इनको ना मेरे हाथ के आलू के पराठे बहुत पसंद है, तो सबको मतलब सबको बोला करते हैं आ जाओ आलू के पराठे खा लो, आ जाओ आलू के पराठे खा लो, सबको यही बोला करते हैं. मतलब आलू के पराठे ना हो गए. बट आज तो मुझे अच्छा लगा बिकॉज इनके जो दोस्त आए थे वो बहुत टाइम के बाद कैनेडा से आए हैं, 10 साल के बाद, एंड बहुत अच्छे हैं वो. सो उनको तो मैंने बहुत दिल से खिलाया. सो मैं अब बस चेंज करूँगी कपड़े, कि अभी मैं ऐसे ही बैठी हुई हूँ, शॉर्ट्स डाले हुए हैं मैंने और ये टी शर्ट डाली हुई है नहा के. क्या कर रहे हो अभी? पढ़ाई करने बैठ जाओ. सो अभी कुछ 2-2.5 बजे का टाइम है, 3-3.5 इनको ट्यूशन में रख के हम लोग जा रहे हैं सूरत. दोनों आते हुए हो जाएंगे 6-6:30, तो फिर इनको ट्यूशन से लेंगे आके. और भी बहुत सारा काम था सूरत में, मुझे बिग बाज़ार वगैरह भी जाना था लेकिन टाइम नहीं मिल पाएगा क्योंकि एग्ज़ाम्स हैं, पढ़ाई भी करानी है इन्हें, समय से आना भी है, तो अर्जेंट काम है इसलिए हम लोग जा रहे हैं. अदरवाइज़ एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले हम लोग नहीं जाते, बट थोड़ा सा एडिटर ने बुलाया, कुछ अर्जेंट काम है. सो मैं जा रही हूँ चेंज करने. जाने से पहले बात करती हूँ आपसे, निकलना भी है. क्या हुआ बाबू, खाई खाई? पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले. ममरे का लड्डू ममराज लड्डू यू ईटिंग? सो चलो गाइस, हो चुकी हूँ मैं तैयार, चलते हैं सूरत. दिखाती हूँ आपको जितना दिखा सकती हूँ. वैसे सूरत तो मैं पहले भी शायद दिखा चुकी हूँ किसी ब्लॉग में, आई डोंट रिमेम्बर. मैंने कपड़े चेंज कर लिए, जीन्स पहनी हुई है, ये टॉप पहना है, सनग्लासेस लूँगी, देन विवेक के साथ कार में बैठ के चली जाऊँगी. दोनों को ट्यूशन छोड़ने जा रहे हैं हम लोग और वहाँ से डायरेक्टली निकल रहे हैं सूरत के लिए. ये 1 दिन का पहना हुआ रखा था तो मैंने सोचा ये पहन लेती हूँ. सो ये है मेरा आज का दिन. कोई रेसिपी भी शेयर नहीं की आज तो ब्लॉग में, क्योंकि मैंने कुछ बनाया नहीं. आलू के पराठे इनके फ्रेंड के लिए बनाए थे बट इतना टाइम नहीं था कि मैं शेयर कर सकूँ. और आई थिंक मैंने आलू के पराठे एक बार शेयर भी किए हुए आपके साथ, अगर मैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक मैंने शेयर किए. और हाँ, आप लोग पूछोगे मैंने लिपस्टिक कौन सी लगाई है, मिलानी अमोर मैट लगाई है, जो मैंने पीछे मंगाई थी, जिसको रिव्यू भी किया था, वो लगाई है. काजल लगाया मैंने VLCC का, आज VLCC का काजल लगाया मैंने. सो दैट्स व्हाट द माय डे गोइंग ऑन. चलो आपको लेके चलती हूँ सूरत. थोड़े से काम से जा रही हूँ तो सोचा चलो छोटा छोटा भी व्लॉग बना दूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से इरेगुलरिटी आ चुकी है व्लॉग्स में एंड ऑल. सो मुझे लगा कि रोज़ कुछ ना कुछ मुझे आपके लिए शेयर करना चाहिए. सो जल्दी जल्दी जाके आती हूँ क्योंकि रात को पढ़ाना है, अभी को बैठ के एग्ज़ाम्स हैं. सो नहीं तो ये कुछ नहीं करेगा. ठीक है गाइस, चलो चलते हैं सूरत. यहाँ से सिर्फ 35 समथिंग किलोमीटर्स है और हाफ एन आवर की ड्राइव है. मैं और विवेक जा रहे हैं इनको ट्यूशन में रख के. सो लेट्स गो.
प्रीशा आलू काट रही है पोहा बनाने के लिए कि मैं पोहे बनाने जा रही हूँ, बहुत थक चुकी हूँ मैं सूरत से आते आते। सो प्रीशु आलू काट के देगी और मैं जा रही हूँ ओनियंस कट करने के लिए, और रेसिपी ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ सो इसीलिए ज़रूरत नहीं है शेयर करने की। बहुत अंधेरा हो रहा है ना रूम में। यस, अब ठीक है। टीवी देखते देखते आलू कट हो रहे हैं, है ना बाबू? और पता है गाइज, आज मेरी प्रीशु लेके आई है अभी को ट्यूशन से फर्स्ट टाइम, क्योंकि हम लोगों को सूरत से आने में लेट हो गया था, है ना बाबू? तो मेरा बच्चा गया था अभी को ट्यूशन से लेने के लिए, रिक्शा में लेके आया। माय गॉड, सो स्वीट ऑफ माय बच्चा प्रीशु बच्चा, और उसको लेके आया रिक्शा से। मम्मी पापा नहीं पहुँचे थे, हम लोग को थोड़ा सा लेट हो गया आने में, उसके ट्यूशन को छूटे हुए 15-20 मिनट्स हो गए थे। सो बोली मम्मा डोंट वरी, मैं जाती हूँ, मैं लेके आती हूँ। इतनी स्वीटार्ट है ये। हाँ बाबू, इधर तो देख, स्माइली स्माइली भी नहीं आज तो, थकी थकी टाइट टाइट ना बाबू। ठीक है, मैं फटाफट बनाती हूँ। ओके, एग्जाम भी तो है कल। ठीक है चलो, हाँ मैं बनाती हूँ फटाफट। जस्ट अभी पहुँचे हम लोग, समथिंग कितना बजे है, 8 बजे हुए हैं। जस्ट आके मैंने पूजा की है, और देखा आपने प्रीशा आगे जो है आलू कट कर रही है पोहा बनाने के लिए। सो हमें आते आते 7:30 हो गए थे। घर में एंट्री की, पूजा की, अब बनाऊंगी पोहे। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ आज, बहुत, यानी इतनी ज़्यादा टायर्डनेस है कि किचन में भी जाने का मन नहीं कर रहा, इतनी थक गई हूँ मैं। प्रीशा को भी नींद आ रही है, एग्ज़ाम भी है, तो ये ब्लॉग मैं यहाँ पे ही ख़त्म करूँगी। और पोहे की रेसिपी मैं इसलिए शेयर नहीं कर रही हूँ बिकॉज ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ, आपने देख लिया होगा, दो बार मैं शेयर कर चुकी हूँ पोहे की रेसिपी। मन तो कर रहा है अभी बिस्तर लगा के सो जाओ, लेकिन बहुत ज़्यादा थक गई क्योंकि 3:00 हम लोग निकले थे उसे ट्यूशन छोड़ के अभी को, और आते हुए हमें 7:30 हो गए। आप देख लो कितना टाइम हो गया। फिर मार्केट का भी थोड़ा सा काम था, वो भी करके आए। देन मैंने आके पूजा की है, प्रीशा को बोला यार मुझे पोटैटो काट के दे दे, बाकी सब अभी मुझे खुद कट करना है, ऑनियंस एंड ऑल, ग्रीन चिली, और फिर पोहा बनाऊँगी। ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। थोड़ी सी अभी की तैयारी भी करवानी है, लाइव भी आना है, और थकान भी बहुत है। सो चलो मैं जल्दी जल्दी से अभी पोहे बना लेती हूँ, पोहे बना के देन मुझे लाइव आ जाती हूँ, आधा घंटा जैसा पढ़ाना भी है सो, और फटाफट बना लेती हूँ और सोती हूँ आज, बस नींद पूरी करती हूँ क्योंकि सुबह भी 6 बजे उठना है, इनका स्कूल है, एग्ज़ाम है, फर्स्ट एग्ज़ाम। और प्रीशा इतनी प्यारी है, आज उसे ट्यूशन से लेके आई, मैंने अभी बताया ना आपको, आज हम लोग को एक्चुअली 6:30 को उसका ट्यूशन छूटता है, और हमें हो गए आते हुए 7:15 जैसे। सो प्रीशा गई और आज फर्स्ट टाइम मैं उसको लेके आई, इतना अच्छा लगा मुझे। माय गॉड, मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, एकदम रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसको लेके आई घर पे, लाके उसे खिलाया विलाया, चाय बना के, देन मैं पहुंची। सो अब मैं बहुत थक गई हूँ। सो गाइज, अब मुझे बाय करना पड़ेगा, मैं जा रही हूँ किचन में आलू पोहे बनाने, और फिर जो है लाइव आऊँगी थोड़ी देर के लिए। येलो लाइट वाइट लाइट सब ऑन है, इसलिए डिफरेंट डिफरेंट सी लाइट हो रखी है। सो चलो बाय करती हूँ, ये व्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ। छोटा सा व्लॉग था या बड़ा था पता नहीं, बट एंड कर देती हूँ, बहुत थक गई हूँ। और अभी तो और मुझे 1 घंटा लगेगा सब काम फिनिश करने में, आलू पोहा वगैरह बनाऊँगी, अभी का रिविज़न लेना है मुझे, लर्न किया कि नहीं वो देखना है, देन आना है लाइव। सो चलो फिनिश करते हैं ये व्लॉग। अगर अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री है, और बाजू में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे हिट करना बिल्कुल मत भूलना, सो दैट यू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस रिगार्डिंग माय वीडियोस। सो चलो मिलते हैं नए व्लॉग में, टिल देन आई एम टू टायर्ड, टिल देन लव यू, टेक केयर एंड बाय। ठीक है।